मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने किसको कितनी गोली मारी, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वारदात के समय वहां मौजूद विजय की पत्नी बबीता, बबीता का भाई चंद्रभान उर्फ चमन, चंद्रकला, ललित व अन्यों के बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। सीमा के परिवार ने आरोप लगाया कि ललित के उकसाने पर ही हितेंद्र ने अपनी पत्नी और दोनों सालों को गोली मारी। जानकारी के अनुसार हितेंद्र को गुस्सा तब आया जब सीमा ने अपने छोटे बेटे जय को थप्पड़ मार दिया। इस बात पर हितेंद्र आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में पहले दोनों सालों को गोली मारी, फिर बबीता ने पति को बचाने का प्रयास किया तो हितेंद्र ने उसे हट जाने के लिए कहा। उसके नहीं हटने पर हितेंद्र ने बबीता के पैर में गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर सीमा की मां वारदात के बाद से गहरे सदमे में है। दोनों बेटों और बेटी की मौत के बाद वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। परिजन उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी परिवार सदमे में है, जब थोड़े हालात बेहतर होंगे तो परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।